अध्याय 3 दो बैलों की कथा। झुरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झुरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था, अतः वे भी झुरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है। झुरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहां और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु हीरा मोती ने उसे सूंघा तक नहीं। रात हो जाने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर झुरी ने उन्हें स्थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेराने लगा, परंतु झुरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता, शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को छुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। हीरा ने सांड के सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सिंगों से हमला किया। सांड घबरा गया क्योंकि यहाँ पर तो वह दो थे, मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहां कहां आ फंसे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। उसने और जोर से चोटे मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हांकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झुरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव, व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा।
झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अध्याय 4।